सो गाइस, मैं हूँ हीट। और जो हीट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो हीट होती है हीट को हम लोग बोलते हैं गर्मी। और जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हीट होती है वो इसके उसके अंदर मॉलिक्यूल से डिफाइन की जा सकती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी हीट होगी उसे हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी। तो वही ऑब्जेक्ट की टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं वही उस ऑब्जेक्ट की हीट एनर्जी होगी। और गाइस, हीट एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो आप सभी को पता होगी कि जूल होती है, हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। सो गाइस, मैं हूँ टेम्परेचर और मेरी एसआई यूनिट होती है केल्विन। और किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बताता है कि उस बॉडी में कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस है। तो ये है होता है टेम्परेचर के बारे में, जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। सो गाइस, आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। मैं हूँ हीट और टेम्परेचर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस क्या होता है वो आज हम लोग जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, पहले नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हम लोग हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस देखेंगे, मैं इन दोनों के बीच की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, देखते हैं कौन जीतता है। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अपना कैलोरीमेट्री चैप्टर का पार्ट नंबर 1, जिसमें आई होप आप लोग ने इंट्रो देख लिया होगा। अब हम लोग इंट्रो के बाद अपना पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा बेसिकली 3 से 4 पार्ट में होने वाला है, उन सभी पार्ट को हम लोग धीरे धीरे अच्छे से कवर करेंगे। तो ये आज हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम लोग हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, और हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग जिन्हें मिस कर देते हो तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले, मतलब अगर आप लोग प्रैक्टिस करते तो मिल जाएंगे, बट स्टिल अगर आप इन्हें ध्यान से नहीं देखते तो आपके लिए फिर महंगा पड़ जाएगा। तो चलो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आप लोग बैकग्राउंड में मेरे देख पा रहे हीट और टेम्परेचर होता क्या है, तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा हीट क्या होगा तो आप बताओ गर्मी, और अगर मैं आपसे टेम्परेचर क्या होता है तो आप पता नहीं क्या बताओगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। इसी फिगर में आप लोग देखो, एक तरफ मतलब का सन बना हुआ है और एक तरफ दो थर्मोमीटर बने हुए। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है हीट जो होता है। आपको पता है कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप ये बुक ले लो, ये सवाल की बुक है एमसीक्यू वाली, मैं इसका वो नहीं करने वाला हूँ, मतलब कि आप समझ जाओ ये कोई बुक है। और इस बुक में जो इंटरनल एनर्जी होगी, इसके अंदर मूव कर रहे हुए मॉलिक्यूल्स की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। वही जो ऑब्जेक्ट के अंदर मूव करते हुए मॉलिक्यूल्स होंगे, जो रैंडम मोशन में होंगे, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, या फिर उन्हें ही हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। ओके, अभी आपको ये बात पता चलेगी कि हीट क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी है। अभी आपको ये बात पता चल गई क्या है हीट एक फॉर्म की एनर्जी है, सिंपल सी बात है। अब देखो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मतलब किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस बताने वाला, जो हमारे पास एक 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 पर्टिकुलर हमारे पास मतलब कि एक जो डिवाइस होती है जिसे हम थर्मोमीटर बोलते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है। वो क्या चीज होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस बताएगा। मतलब इस मोबाइल अगर मोबाइल ज्यादा चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस ये गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर लोग टेम्परेचर यूज करके ये जान सकते हैं कि इसमें कितना हॉटनेस और कितना कोल्डनेस है। और मेरी बॉडी में अगर मुझे बुखार है तो मैं ये जान सकता हूँ मेरी बॉडी में कितनी मेरी बॉडी हॉट हो चुकी है, मतलब कितनी गर्म है मेरी बॉडी और मुझे कितना फीवर है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग यहाँ से हम लोग की बात चल जाएगी हीट और टेम्परेचर क्या होता है। अब चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। आगे अगली स्लाइड पर देखो, अगर हमने किसी भी हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में रखा, एक हमारे पास हॉट बॉडी है, एक हमारे पास कोल्ड बॉडी है, हमने दोनों को कॉन्टेक्ट में रखा, तो आप सोच रहे हो क्या होगा भाई, कॉन्टेक्ट में तो रख दिया, क्या होगा यहाँ पर हमारे पास। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर दोनों को कॉन्टेक्ट में रखने से क्या होगा, जो हमारी हीट है वो फ्लो करेगी, कहाँ से फ्लो करेगी, एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से तक, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक क्या फ्लो करेगी, हमारी हीट फ्लो करेगी। ओके, क्या फ्लो करेगी, हीट फ्लो करेगी। आई होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी। तो हमारी एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट फ्लो करेगी, कितनी फ्लो करेगी, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर डेफिनेशन लिखी होगी, व्हेन हॉट बॉडी इज कॉन्टेक्ट विद दैट कोल्ड बॉडी, इंटरनल एनर्जी ऑफ कोल्ड बॉडी इज इंक्रीजेस। जो हमारे पास कोल्ड बॉडी होगी उसमें जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा, और जो हमारे पास हॉट बॉडी होगी उसका धीरे होने लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास हीट यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, कहाँ से, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आई होप सो कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं। ओके, आगे आता है, आगे एक और स्लाइड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, उसमें भी लिखा हुआ है हीट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। आई होप आप सबको ये बात भी समझ में आई, जिसको जिसको आ गई वो इस वीडियो को लाइक करें, जिसको नहीं आया अभी पूरा चैप्टर देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलो
चलो चलो आगे देखते हैं। आगे स्लाइड आती है हमारे पास येलो कलर की और उसमें ब्लू कलर से ब्लू कलर के बॉक्सेस बने हैं और कुछ व्हाइट कलर से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। देखो तो एनर्जी विच फ्लोस फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर कैप्ट इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड हीट। जो एनर्जी हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो कर रही है, ध्यान देना मेरी बात को, जो एनर्जी हमारे पास हॉट बॉडी से गर्म बॉडी है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो कर रही है, जो एनर्जी फ्लो कर रही है उसे की हम लोग हीट बोलते हैं। मतलब ये जो फ्लो जो कर रहा था ना वो क्या होती है, हीट होती है। आप सबके बात भी समझ आएगी। अब ये हीट कितनी फ्लो कर रही है, ये हीट कितनी फ्लो कर रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक कितनी हीट फ्लो कर रही है उसको मेजर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम लोग लाते हैं एक डिवाइस, जिसे एक हमारे पास पर्टिकुलर चैप्टर है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मतलब ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक बहेगी। कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रहा है उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, कैलोरीमेट्री की मदद से। आगे आता है, अगर आपने वहाँ पर ढिंडोरा वाला इंट्रो देख लिया होगा तो वहाँ पर मैंने बता ही दिया था कि जो ऐसी यूनिट की हीट होती है, हीट की यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है ऐसा यूनिट। और अगर हम लोग इसकी मोस्ट यूनिट, एक और इसकी जो हीट की यूनिट होती है उसे हम लोग कैलोरी बोलते हैं, जो कि हर खाने वाले सामान के पीछे लगे। अगर आप ऑयल का पैकेट लेके आओगे उसमें भी लिखा होगा, बिस्किट का पैकेट लेके आओगे उसमें भी लिखा होगा। कैलोरी का एक प्रकार से हमारे पास फैट है, आप कुछ भी लेके आओ उसमें पीछे जरूर कैलोरी लिखा होगा, कितना कैलोरी होता है वो लिखा होगा। अब आगे अगली स्लाइड आते हैं। ओके सो गाइस, ओके ओके नाउ अगली क्या। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैलोरी हर जगह लिखा होता है, देखो बिस्कुट लाया उसमें भी लिखा हुआ है ये भी पीछे नहीं छोड़ रहा, नमकीन लाया उसमें भी लिखा हुआ है ये भी पीछे नहीं छोड़ रहा, ऑयल का पैकेट लाया उसमें भी लिखा है। मतलब हर चीज में आपको खाने वाली चीज में, हर खाने वाली चीज में आपको पीछे कैलोरी पक्का लिख गया। आप दूध का पैकेट लाओगे फिर भी उसमें लिखा होगा, अगर आपने आज तक कभी मुझे पता देखा नहीं होगा, इतने टैलेंटेड नहीं हो आप लोग कुछ कुछ छोड़ के, आपने देखा आज तक नहीं होगा, मैंने खुद नहीं देखा बट मुझे पता चला कि लिखा होता है। ओके तो कैलोरी, अब आप पूछोगे यार ये कैलोरी होता कितना है, जो एक कैलोरी, कैलोरी तो बहुत सारी होती है लेकिन एक कैलोरी कितनी होती है ऐसे देखिए। ओके ये ना देखो एक कैलोरी कितना होता है ये जान लेते। तो एक कैलोरी क्या होता है हमारे पास, मतलब एक कैलोरी, अभी मेरी बात मैं आपको इसको इतनी अच्छे समझाने जा रहा हूँ, बहुत अंदर से सोच के समझा रहा। मान लो आपके पास एक ग्राम वाटर है, सिर्फ आप ये ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर आपके पास एक ग्राम वाटर है, ये है आपके पास एक ग्राम वाटर। अब मुझे इस एक ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, ध्यान सुनना मेरी बात। मुझे इस एक ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, ये आपके पास एक ग्राम वाटर है, इसमें इसका मुझे टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 1 ग्राम, ध्यान सुनना मेरी बात। एक ग्राम डिग्री, एक ग्राम वाटर का मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, इसको बढ़ाने के लिए मुझे जितनी हीट लगानी पड़ेगी वो है 1 कैलोरी। नहीं समझ में आया, हमारे पास ये 1 ग्राम वाटर है, ये हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे इस 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम जिसमें वाटर है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, मैंने बढ़ा दिया 1 डिग्री टेम्परेचर। अब उसको बढ़ाने के लिए मुझे जो हीट लगी उसे ही हम लोग बोलेंगे 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाएंगे तो हमें जो हीट एनर्जी लगानी पड़ेगी या जो खर्चा होगी उसे हम लोग बोलेंगे 1 कैलोरी। आगे देखते हैं, अगर हम लोग इसकी बात कर प्रिसाइसली एक डिफिनेशन होती है हमारे पास, प्रिसाइस डिफिनेशन है 1 डिग्री तक हमें सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना कहाँ से कहाँ तक। तो ये हमारे पास जो भी मैंने आपको पहले वाली डिफिनेशन बताई ये प्रिसाइस नहीं है, प्रिसाइसली दूसरी डिफिनेशन देखो लिखा हुआ है 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक्चुअली हर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही होता है। तो 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक करने के लिए जो हमें हीट एनर्जी लगानी पड़ेगी वो हमारी होगी 1 कैलोरी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू गाइस। नाउ आगे देखते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर एक आईसीएससी का प्यारा सवाल लाएंगे जिसको रुकिए मैं एक बार वहां पर स्टार बना देता हूँ। तो हमारे पास आईसीएससी का एक प्यारा सवाल है जो कि पूछता है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो इसे याद कर लो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल और 4.2 जूल प्रिसाइसली। 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके 4.2 जूल। अगली स्लाइड, ओके अगली स्लाइड में आता है हमारे पास किलो कैलोरी क्या होती है। ओके 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 किलो कैलोरी क्या होती है, आप लोग यह सोच रहे हो यार किलो कैलोरी क्या होती है, तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। किलो कैलोरी, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 1 कैलोरी में 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे 1 डिग्री सेल्सियस, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे
एक किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसमें जो हीट लगेगी वो होगी हमारी 1 किलो कैलोरी। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 किलो कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, 1 किलो कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 1 किलो कैलोरी की, 1 किलो कैलोरी कितना जूल के बराबर होगा, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बारे में बराबर था, तो 1 किलो कैलोरी 4200 जूल के बराबर होगा। आगे देखते हैं। नाउ अभी यहाँ पर हमारे पास बात करते हैं अगली स्लाइड पे आप आगे देख पा रहे, यहाँ पर हमारे पास बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो हमने हीट के बारे में सब कुछ देख लिया, ही कैलोरी उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, बिगर यूनिट क्या होती है, सब हमने देख लिया। अभी टेम्परेचर में आप लोग देखो, आपके पास 3 थर्मोमीटर आपको ये दिख रहे होंगे, एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर। पहले कंटेनर क्या हुआ, हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास जो वहाँ पर टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे में कितना हमारे पास वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरे में 40 डिग्री सेल्सियस। ये बताना ये चाहता है कि अगर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, तो मॉलिक्यूल इस तरह मूव कर रहे होंगे, और अगर हमारे पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस तो मॉलिक्यूल इस तरह, और अगर यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस तो मॉलिक्यूल इस तरह। मतलब आप देख रहे हो जिस बॉडी का टेम्परेचर, जिस बॉडी की हीट जितनी ज्यादा होगी उसमें मॉलिक्यूल उतनी तेजी से मूव कर रहे होंगे। आगे देखते हैं। अभी टेम्परेचर आप यहाँ पर देखो अगली स्लाइड पर, एक ऑब्जेक्ट आपके पास, दो ऑब्जेक्ट दिया गया है, पहला ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2। पहले ऑब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट 1, दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट 2। अब ऑब्जेक्ट 1 का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ऑब्जेक्ट 2 का टेम्परेचर बहुत कम है। तो अभी देखो टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो टेम्परेचर बताता है, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, 10th IIT वालों ध्यान से सुनो, इसे नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि हमारा हीट है वो किस तरह फ्लो करे, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। ओके अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ हीट टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्टेक्ट। ओके मतलब वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बताता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कब बताएगा, जब हम लोग दो बॉडी को आपस में कॉन्टेक्ट में रख देंगे तब बताएगा हमारे पास, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर की हो तभी बताएगा कि हमारा हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगला आता है ऐसा टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, हमारे पास केल्विन होती है, और इसकी जो कॉमन और यूनिट होती है जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं बेसिकली वो सेल्सियस होती है। आई होप आपकी बात समझ में होगी। अभी रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, तो इसके लिए मुझे आपको लिखना पड़ेगा, तो मैंने पहले से लिख रखा था क्लास के बीच में, अभी लिखना सही नहीं रहेगा ना, टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने इसको देख लिया आपके लिए, पहले लिख लिया था क्या लिखना था, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। अगर आपके पास देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, आपके पास दिया है 2 सेल्सियस है, आपको उसको केल्विन में निकालना है, तो उसमें 273 ऐड कर दो। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास जो केल्विन है, मतलब हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस, अब इसको मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है मेरे पास, मुझे इसको केल्विन में बदलना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री जोड़ दोगे, तो वहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 293.15 डिग्री 1.5 डिग्री केल्विन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा केल्विन में यूनिट आ जाएगी हमारे पास, तो आपको निकालने में आसान होगी। मतलब बेसिकली अगर आपके पास सेल्सियस में दिया हो केल्विन में निकालना, तो उसमें 273 प्लस कर दो, और अगर आपके पास केल्विन में दिया गया सेल्सियस में निकालना है 273 माइनस कर दो। आई होप आपकी बात समझ में आएगी। और अगर मान लो हमारे पास 0 केल्विन हो जाए, -273.15 अगर 0 हो गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपके पास केल्विन 0 में आ जाए, समझ लो उस जो पर्टिकुलर टेम्परेचर उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, मतलब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें आपका 0 -273.15 केल्विन है वो आपका 0 डिग्री एब्सोल्यूट जीरो है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली मतलब पूरी तरह से नॉन लिविंग हो चुका है, उसमें अब मतलब उसमें अब ना इंटरनल एनर्जी, ना उसमें हीट है, ना कुछ है, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड आती है, फैक्टर इफेक्ट इन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मतलब कि जो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होगी उसके कुछ फैक्टर होंगे, क्या क्या फैक्टर होंगे जिसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब करेगी कोई भी बॉडी और टेम्परेचर बढ़ेगा उस बॉडी का, हीट एब्जॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। उसके क्या क्या फैक्टर, पहला फैक्टर है मास ऑफ द बॉडी। मान लो मेरे पास मुझे मतलब कि अब सिंपल सी बात है भाई,
मास ऑफ द बॉडी कैसे यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ द बॉडी डिपेंड करेगी। हमें हमने क्या किया, एक तरफ मान लो एक किलो एक ग्राम ऑफ वाटर रखा जिसमें हम लोग को केवल एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाना है, हमारे पास एक तरफ एक ग्राम ऑफ वाटर जिसमें हमें एक डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनाना है, तो क्या करेगा उसमें हीट कम लगेगी। और वही मान लो हमने 10 किलोग्राम ऑफ वाटर रखा 10 किलोग्राम ऑफ वाटर रखा, आप मुझे उसका एक डिग्री सेल्सियस बनाना है, तो क्या होगा, एक ग्राम में जल्दी से बढ़ जाएगा, 10 ग्राम में टाइम लगेगा और ज्यादा एनर्जी करेगा। तो पहली बात आ जाएगी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो पहली बात आ गई मास ऑफ द बॉडी, मतलब उस बॉडी में क्या मास है, मास भी डिपेंड करेगा, कोई कम मास का कोई ज्यादा मास का, तो दोनों में क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोनों पंप में अलग अलग एनर्जी लगेगी उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर अलग अलग लगेगा, मतलब हीट अलग अलग लगेगी, हीट अलग अलग एब्जॉर्ब होगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके, मान लो मुझे ये जो हमारे पास इस एंड में एक, मान लो आपकी बार हमने वेट दोनों का बराबर कर दिया, ओके वेट हमने दोनों का बराबर कर दिया, ये भी एक ग्राम है ये भी एक ग्राम है, अब मुझे क्या करना है, इस एक ग्राम को, ये एक ग्राम मेरा 14.5 डिग्री सेल्सियस पे, ये एक ग्राम वाटर मेरा 14.5 डिग्री सेल्सियस पे है, अब मुझे इसे 14.5 से 20.5 तक ले जाना है, 14.5 से 20.5 तक मुझे इसको इंक्रीज करना है, यहाँ पर मेरे पास हीट क्या कर लेगी, कम लगेगी। और मान लो उसी मेरे पास एक ग्राम और वाटर है, ये भी एक ग्राम था ये भी एक ग्राम है, इस एक ग्राम वाटर को मुझे 14.5 से 30.5 तक ले जाना है, तो इसके लिए मुझे इसमें ज्यादा हीट एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसमें कम हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी भी डिपेंड करेगा हमारे पास हीट अब्सॉर्ब करने के फैक्टर में। तो देखो यहाँ पर अभी मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ क्यों क्या है, क्यों क्या है हमारे पास, पहली बात क्यों हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, एम के बराबर है, क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कितना मैंने टेम्परेचर बढ़ाना है, यहाँ से हमें पता चलता है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, यार ये एम डेल्टा टी क्या है, सुनो मेरी बात, अभी जो मुझे क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली, अब मुझे प्रोपोर्शनल हटाना है तो कोई कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ेगा, वो कॉन्स्टेंट मानो मैंने सी ऐड कर दिया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा, या फिर आप बोल दीजिए सी एम डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो ये आपके पास एक नया फॉर्मूला आया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पेसिफिक। अभी देखो तीसरा हमारे पास जो फैक्टर है अगली स्लाइड पर, वो है द मटेरियल ऑफ द बॉडी। मान लो एक आपके पास, मान लो यहाँ पर मुझे आपकी मेरे पास एक ग्राम वाटर इधर है, इधर एक ग्राम ऑयल है, अब एक ग्राम वाटर को मुझे एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, मतलब 14.5 से 15.5 डिग्री तक बढ़ाना है, मतलब क्वांटिटी भी सेम है, मटेरियल भी मतलब मास भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम ही है, मुझे सेम ही बढ़ाना है। तो देखो अभी यहाँ पर कैसे डिफर करेगा अगली चीज जो कि है मटेरियल। तो मान लो मेरे पास एक ग्राम वाटर है जिसको मुझे एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ओके मान लो, लेकिन ये वाटर है, एक ग्राम वाटर है जिसको मुझे एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, और यहाँ पर मेरे पास एक ग्राम ऑयल है जिसको मुझे एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो मेरे पास ऑयल होता है उसको उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देर में बढ़ेगा, क्यों देर में बढ़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा डेंसर होता है, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ा देर में बढ़ेगा, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल होता है उस पर भी डिपेंड करता है क्या, हीट की अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी तुम्हारे पास मटेरियल होगा बॉडी पर उस पर भी डिपेंड करेगी। आगे आते हैं हमारे पास, अगला आता है हमारे पास हीट और टेम्परेचर के बीच डिफरेंस, जो कि सिर्फ आपको पढ़ना है, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे डिफर करता है, किसी के सामने आप पढ़ लेना इसको। आगे आता है, आगे हमारे पास दो तीन क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट इज बेस्ड ऑन, जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट है, मतलब जो हमारे पास हीट का मेजरमेंट है वो किस पर बेस है, पहला ऑप्शन आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा ऑप्शन आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तीसरा ऑप्शन आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चौथा आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अरे न्यूटन का लॉ आ गया, कूलिंग कब से आ गया, ये तो एग्जाम्पल थे बस। अब बताओ यहाँ पर आपके पास जो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैलोरीमेट्री है वो किस पर बेस, हीट किस पर बेस करेगा, पहली बात सिंपल सी बात कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी, ओके सिंपल सी बात क्या हमारे पास कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी। अगला आता है हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस नोन एज, मतलब जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें अंदर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं रैंडम उनका मोशन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं, केमिकल एनर्जी बोलते हैं, बहुत फर्स्ट एंड सिंपल सी बात है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उसी का रैंडम मोशन होता है उसे तो हम लोग हीट बोलते हैं, टेम्परेचर कहाँ बोलते हैं, हीट बोलते हैं, तो हीट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास आता है तीसरा वाला, जो कि है ओके तीसरा क्वेश्चन आता है द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन, मान लो मुझे भी मान लो मुझे किसी भी पर्टिकुलर बॉडी जिसका मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है,
मान लो किसी मुझे हीट एनर्जी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो क्या करेगा उसमें, हम लोग उसमें क्या क्या डिपेंड करेगा? अरे सिंपल सी बात है, फैक्टर पर हीट टेम्परेचर, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, मतलब जो हमारा हीट एब्जॉर्ब करेगा बॉडी उसका मुझे फैक्टर बताना है। पहला है क्या वो मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करेगा, दूसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करेगा, तीसरा है राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सब पर डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है यार, वो सब पर डिपेंड करेगा, उसका मास कितना है, उसमें टेम्परेचर कितना बढ़ाना है और मुझे उसमें मटेरियल का है। इसलिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। आई होप आप सबको ये बात समझ में आएगी। हमारे पास एक पांचवा क्वेश्चन आता है, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर हीट विल, जो हमारे पास टेम्परेचर मान लो बढ़ गया तो उसमें मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर डबल हो जाएगी? सिंपल सी बात है, हमने हीट को बढ़ाया तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। आगे तो यहाँ पर हमने पांच क्वेश्चन कर लिए हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना है, हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करेंगे अगले वीडियो में। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, अगर आप कर लेते हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर बार तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कोरोना से बचे रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। बाय बाय, टेक केयर।